किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। Drop the beat, yeah. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा इसका स्टेटस? दोस्तों आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, एंड इससे जो है बवाली शेर बनाने का जो हिम्मत मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों का भाई आ चुका है लेकर के दोस्तों एक और बहुत धमाकेदार दोस्तों ओल्ड सॉन्ग का जो है फुल ड्राइव वीडियो दोस्तों, जो कि आप ऑलरेडी प्रीव्यू में देख चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि मैं फेस स्कैम वीडियो लाऊं या फिर ना लाऊं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों आज का जो स्ट्रेस है दोस्तों, इस तरह का स्ट्रेस बनाने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जो जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। अलाइट मोशन आपके प्ले स्टोर पर बहुत ही आसान से मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल नोटिफिकेशन का जो है आल पर प्रेस कर लेना होगा दोस्तों। उससे आपको ये फायदा होगा दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा दोस्तों तब नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले। तो दोस्तों इसमें जो भी मटेरियल यूज होगा दोस्तों जैसे कि सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट, तो दोस्तों उसमें जो मैं आपको फुल प्रोजेक्ट में आपको दे दिया हूं दोस्तों, तो उसको इंपोर्ट कर लेना होगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है दोस्तों। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों यहां से आपको जो भी इसमें फोटो यूज होगा दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फोटो को ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिम से अपना लाइट मोशन को ओपन कर लेना होगा दोस्तों, अलाइट मोशन को ओपन करेंगे दोस्तों से कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा दोस्तों। तो सिंपल से आप उसको प्लस के बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में बनाया दोस्तों यहाँ पे किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी दोस्तों, ये मैं प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ। तो सिंपल से आपको प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा दोस्तों, आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसमें वो काफ़ी कम माल का जो है न्यू स्टाइल के साथ दोस्तों यहाँ पे स्टेटस जो है क्रिएट किया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का स्टेटस आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मैं वीडियो जो है बनाता हूँ। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे आ जाना दोस्तों, आने के बाद दोस्तों इसमें वो फोटो कैसे ऐड करना है दोस्तों, अपना है अपने फ्रेंड का जैसे कैसे फोटो ऐड करना है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपली आपको पूरा बैक आ जाना होगा, डिस्प्ले पे आ जाना, आने के बाद दोस्तों सिंपली हमने गैलरी को ओपन कर लेना होगा दोस्तों। गैलरी को ओपन करने के बाद दोस्तों आप मुझे यहाँ पे पिक्स आर्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला इस एप्लीकेशन को जो आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, ये भी आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, इसको भी डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको फोटो पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों, आपको गैलरी में आ जाना, गैलरी में आने के बाद दोस्तों आपको एल्बम पे आकर दोस्तों आप जहाँ भी फोटो रखेंगे उसका फोल्डर आपको सेलेक्ट करके दोस्तों आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करना कर लेना दोस्तों, एंड आपको शेयर पर क्लिक करना है दोस्तों, एंड आपको इसको जो है फोटो को पिक्स आर्ट में जो शेयर कर देना होगा दोस्तों। तो मैं पिक्स आर्ट में शेयर कर देता हूँ कुछ भी प्रकार से दोस्तों। शेयर करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों टूल्स, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रॉप पे जाना है, क्रॉप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो जाना है स्क्रॉल करके आगे आकर दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों स्टोरी दोस्तों, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्लस पे यहाँ पे जो सही का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको कुछ प्रकार से सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों इस साइज का जो आपको टोटल दोस्तों 14 से 15 फोटो को इस साइज का कर लेना होगा। करने के बाद दोस्तों आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा दोस्तों, प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके आगे आ जाना होगा। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों लिखा है इमेज, इस पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर पे जाना दोस्तों, एंड आपको यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके दोस्तों आपको पिक्स आर्ट का जो एप्लीकेशन का जो फोल्डर सेलेक्ट करके दोस्तों आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना होगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी आसान तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है फोटो। तो दोस्तों सिम से आपको यहाँ पे इमेज लिखा है दोस्तों, नीचे वाली इमेज पे क्लिक करना है दोस्तों, ना कलर पर जाना है ना आपको स्टार पे, आपको फिर से आकर दोस्तों ना आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करके सिंपल से फिर से प्लस पे क्लिक कर देना होगा। इतना जाने के बाद दोस्तों यहाँ आपको एक जो है स्टेप आपको यह कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। होने के बाद यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करके आपको कुछ ऊपर आ जाना, आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इमेज वन एंड इमेज टू लिखा है दोस्तों, आपको
पहले आपको यहाँ लिखा है यहाँ पे नो फोटो, तो आपने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे इमेज वन लिखा है, इस पर क्लिक करना है एंड आपको कलर पे जाकर यहाँ पे कुछ प्रकार से हमको भी फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। करने के बाद आपको बाइक करना है, बाइक करने के बाद दोस्तों आपको दूसरे वाली इमेज पे क्लिक करना है दोस्तों, आपको कलर पे जाना है, आपको स्टार पे यहाँ पे जाकर यहाँ दोस्तों आपको कोई फोटो सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना होगा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो स्काई ब्लू दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे इमेज लिखा है दिखा है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है ना, वो कलम जाके स्टार पे कुछ प्रकाश जाके कोई फोटो सेलेक्ट करके दोस्तों आपको प्लस पे क्लिक कर देना हो। प्लस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो सारे स्काई ब्लू दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको जो है फोटो इस प्रकार से एड कर लेना होगा दोस्तों। तो फोटो एड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो पिंक दिख रहा है दोस्तों, रानी कलर का, इस पर क्लिक करना है, आपको कलर जाना है दोस्तों एंड आपको स्टार पे आके दोस्तों को भी फोटो सेलेक्ट करना है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना होगा। इतना देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको येलो पे आके कलर जाकर दोस्तों दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो है लास्ट तक जो है यहाँ से दोस्तों आपको एंड तक जो है आपको फोटो को एड कर लेना होगा दोस्तों। एड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी आसान तरीके से दोस्तों आपको सारी जगह पर जो फोटो एड करने के बाद दोस्तों स्टेज आपका कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अभी स्टोर को जब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अपने कलर में जो सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों सिंपल आपको सेटिंग के बगल में आपको बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको 5 से 6 मिनट लगेगा दोस्तों, आपका इससे जो काफ़ी आसान तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।